हेलो स्टूडेंट्स, आपका एस के एस ई क्लासेज में स्वागत है। आज हमारा एक नया टॉपिक है, कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा, समंकों की संगति। अर्थात गुण साहचर्य में हमने जो डेटा एनालिसिस किया है, जो समंक हमने एकत्रित किए हैं, वह है कंसिस्टेंस हैं या इनकंसिस्टेंस। अर्थात उनकी विश्वसनीयता पर यदि कोई प्रश्न चिन्ह पैदा होता है, तो हमें सिद्ध करना होगा कि हमारे समंक संगत हैं या असंगत। तो अतः है संगति एवं असंगति से संबंधित कुछ विशेष प्रकार के प्रतिबंध और शर्तें जो गुण साहचर्य में हमें समझनी है, वो आज के लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, गुणात्मक समंकों के विश्लेषण में विभिन्न वर्ग आवृत्तियों का आपस में संगत होना अति आवश्यक है। जब दी हुई सभी वर्ग आवृत्तियाँ एक ही समग्र के विश्लेषण से प्राप्त होती हैं और उनमें कोई गणना, संकलन या प्रस्तुतिकरण की अशुद्धि नहीं होती, तो वे संगत या विश्वसनीय कही जाती हैं। गुणात्मक समंकों की संगति या विश्वसनीयता की एकमात्र जांच यह है कि कोई भी अंतस्थ वर्ग आवर्ती ऋणात्मक नहीं हो। यदि कोई अंतस्थ वर्ग आवर्ती ऋणात्मक होती है, तो समंक असंगत अर्थात इनकंसिस्टेंट कहलाते हैं। यदि कोई अंतस्थ वर्ग आवर्ती ऋणात्मक होती है, तो समंक हमारे असंगत हो जाते हैं। किसी अंतस्थ आवर्ती के ऋणात्मक होने पर भी यदि यह दावा किया जाए कि सभी वर्ग एक समग्र से उद्धृत किए गए हैं, तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि गुण समंकों की गणना में या संकलन में या मुद्रण में कोई अशुद्धि रह गई है। अतः हमें समंकों की संगति को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। संगति से संबंधित हमने जो गुण पढ़े हैं, सबसे पहले मैं ले रहा हूं दो गुणों के संबंध में। संगति प्रतिबंध या शर्तें दो गुणों के संबंध में। चार शर्तें मैंने आपके सामने रखी हैं। पहली है ए बी, अर्थात हमने सब पॉजिटिव लिखे हैं। ये ए बी नॉट मोर देन ए, अर्थात ए बी की वर्ग आवृत्तियां ए से अधिक नहीं हो सकती। ए बी नॉट मोर देन बी, अर्थात हमारा जो ए बी का मान है, वर्ग आवृत्तियाँ, वह बी से अधिक नहीं हो सकती। ये भी आपको अच्छे तरीके ध्यान रखना है। ए बी नॉट लेस देन जीरो, अर्थात ये जीरो से कम नहीं हो सकती। और ए बी नॉट लेस देन ए प्लस बी माइनस एन, अर्थात ए और बी के योग में से आप एन घटा दीजिए, उससे कम नहीं हो सकती। तो डियर स्टूडेंट्स, दो मान हमने रखे हैं ए बी के, नॉट मोर देन के, और दो मान रखे हैं नॉट लेस देन के। तो अगर हम चारों शर्तें देखते हैं और अगर कोई भी शर्त अगर नेगेटिव आ जाए, तो हमारे समंक असंगत हो जाते हैं। आप चाहे तो इस सूत्रों से संगति जान सकते हैं, या आप चाहें तो 3×3 तालिका बनाकर भी संगति ज्ञात कर सकते हैं कि हमारे समंक संगत हैं या असंगत हैं। तो दो गुणों के संबंध में चार शर्तें आपको विशेष रूप से देखनी होती हैं। अगर हमारे समंक 3 गुणों से संबंधित हैं, तो संगति प्रतिबंध या शर्तें आपको कुल 10 समझनी है। 3 गुणों के संबंध में मैंने 10 शर्तें आपके सामने रखी हैं। पहली है ए बी सी नॉट लेस देन जीरो, ए बी सी नॉट लेस देन ए बी प्लस ए सी माइनस ए, ए बी सी नॉट लेस देन ए बी प्लस बी सी माइनस बी, ए बी सी नॉट लेस देन ए सी प्लस बी सी माइनस सी। अर्थात 1 से 4 तक की जो शर्तें हैं, ये न्यूनतम सीमाएं कहलाती हैं। अर्थात ए बी सी नॉट लेस देन जीरो, अर्थात ये जो संख्या हम निकालेंगे, इनमें से हमें अधिकतम लेनी होती है। न्यूनतम में आप अधिक, मान लीजिए मान हमारा 0 है, ये 5 आया, ये 7 आया, ये 8 आया, तो हमारा उच्चतम लेना होगा। अर्थात न्यूनतम सीमा में हमें अधिकतम का चयन करना है, ये ध्यान रखना। पांचवी जो कंडीशन है, ए बी सी नॉट मोर देन ए बी, ए बी सी नॉट मोर देन ए सी, ए बी सी नॉट मोर देन बी सी, अर्थात ये इनसे अधिक नहीं हो सकती। और ए बी सी नॉट मोर देन ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, माइनस ए माइनस बी माइनस सी प्लस एन, अर्थात आप देख रहे हैं कि ये जो मैंने मान लिखे हैं तीनों, इनको योग करना है और इन तीनों को आपको लेस कर देना है और एन योग कर दें, तो ए बी सी नॉट मोर देन अर्थात इससे अधिक नहीं हो सकती। ये अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है। और ये जो 5, 6, 7, 8 में लिखा है, ये अधिकतम सीमाएं, अर्थात आपने जो ये सीमाएं निकाली है 5, 6, 7, 8,
इनमें से न्यूनतम का हमें चयन करना होता ही अपने को ध्यान रखना। तो न्यूनतम सीमा में तो अधिकतम का चयन करेंगे और अधिकतम सीमा में न्यूनतम का चयन करेंगे, 8 शर्त दी होगी। 9वीं शर्त है, अगर मान लो आपको एबीसी की जानकारी नहीं हो तो कैसे जज करें, तो ऐसी स्थिति में ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी इन तीनों का योग नोट लेस देन ए प्लस बी प्लस सी माइनस एन, अर्थात मैंने जो 8वीं शर्त लिखी थी उसमें मैंने ये जो आगे वाले भाग लिखा 8वीं शर्त का, ये आगे वाला भाग इसमें देखना आगे वाले को, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी नोट लेस देन ए प्लस बी प्लस सी माइनस एन, ये कंडीशन आपको फुलफिल करके देख लेनी है। और 10वीं जो शर्त है ए बी सी नोट लेस देन ए प्लस बी प्लस सी माइनस टू एन, अर्थात तीन गुण होते हैं तो आपको 2n घटाना है, तीनों अलग अलग इंडिविजुअल ए बी और सी जोड़ दीजिए और 2n घटा दीजिए। तो ये थी हमारे तीन गुणों के संबंध में 10 शर्तें। अगर आपके सामने चार गुण का क्वेश्चन दे दे कोई, तो चार गुण के लिए एक शर्त मैंने आपके सामने रखी है ए बी सी डी नोट लेस देन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सबको अलग अलग जोड़ दीजिए और इसमें कुल चार गुण हैं तो चार में से एक घटा दो, माइनस तीन एन कर दीजिए। और ठीक इसी प्रकार अगर पांच गुणों का कोई क्वेश्चन आपको दे दिया तो ए बी सी डी पांचों पॉजिटिव लेनी आपको, नोट लेस देन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई माइनस फोर एन, अर्थात पांच गुण हैं तो पांच में से एक कम कर दीजिए, चार, चार एन आप घटा दीजिए। तो इस तरीके से हम समंगों की संगति के सूत्रों के आधार पर ये जान सकते हैं कि हमारे समंग संगत है या नहीं है। अब हम दो क्वेश्चन लेंगे जिनके आधार पर इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे समंगों की संगति हम कैसे ज्ञात करें। हमारा पहला क्वेश्चन है, उपभोक्ता अभिरुचि पर एक प्रतिवेदन से यह ज्ञात हुआ कि जिन 500 व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया उनमें से 410 ने ए किस्म पसंद की, 380 ने बी किस्म पसंद की और 270 ने दोनों किस्मों को पसंद किया, क्या प्रदत्त समंकों में कोई असंगति है? तो हमें इसको समझना है। तो ये स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो हैं जो संख्याएं दे रखी हैं उनको नोटेट कर लीजिए आप। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ए, ये कहते हैं 410 ने ए किस्म को पसंद किया, तो ए किस्म को पसंद करने वाले हैं ए बराबर हो गया 410, 380 ने बी किस्म पसंद की तो बी बराबर हो गया 380, 270 ने दोनों किस्में पसंद की तो ये हो गया ए बी, ए बी बराबर 270, और कुल सर्वे में 500 व्यक्ति हैं तो एन बराबर है हमारा 500। तो ये सूचना हमारे क्वेश्चन में हमने दे रखी है। अब देखिए हम कंडीशंस को अलग अलग जज करना चाहते हैं। पहली कंडीशन मैंने आपको लिखी थी ए बी नोट मोर देन ए, दूसरी थी ए बी नोट मोर देन बी, तीसरी थी ए बी नोट लेस देन जीरो और चौथी है ए बी नोट लेस देन ए प्लस बी माइनस एन। ये चार शर्तें हमने पढ़ी हैं तो चारों में हम अलग अलग वैल्यू अप्लाई करके देखते हैं। तो आपसे कहते हैं ए बी ए से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो देखिए हमारा ए का मान है 410 और ए बी है 270, तो ए से बड़ी नहीं है तो ये शर्त हमारी सही हो रही है। ए बी नॉट मोर देन बी, ए बी बी से बड़ी नहीं हो तो ए बी हमारे क्वेश्चन में 270 है और बी 380 है, 380 से ये बड़ा नहीं है तो ये शर्त भी हमारी पूरी हो रही है। ए बी नॉट लेस देन जीरो, जीरो से छोटी नहीं हो तो छोटी भी नहीं है तो ये शर्त भी हमारी पूरी हो रही है। चौथी शर्त हम चेक कर लेते हैं, तो चौथी शर्त मैं लिख रहा हूँ ए बी नॉट लेस देन ए प्लस बी, तो देखिए ए का मान हमारा है तो ए बी हमारे क्वेश्चन में है 270, नोट लेस देन ए का मान है 410, बी का मान है 380 और एन का मान है 500, तो 270 नोट लेस देन योग करिए 790 माइनस 500 तो 290, तो ए बी हमारी 290 से कम नहीं होनी चाहिए तो आप देखिए ये कम आ गई, तो कोई ना कोई आवृत्ति हमारी माइनस 20 नेगेटिव आएगी, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो हम इसको 9 वर्ग तालिका से बहुत सरल तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे ज्ञात करें समझिए आप, मैं आपके सामने 9 स्क्वायर टेबल बना के बता रहा हूं, यह आपने 9 स्क्वायर टेबल मैंने बना दी, ये n होता है,
ये ए स्मॉल ए, बी स्मॉल बी, ए बी, ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। तो विद्यार्थियों जो वैल्यू है वो उतार दीजिए। एन का मान है 500, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एन हमारा 500 है, तो मैंने 500 लिख दिया। हमारे क्वेश्चन में हमें ए का मान दे रखा है 410, ये लिख दिया। बी 380 दे रखा है, तो मैंने ये लिख दिया। और ए बी 270 है, तो मैंने 270 लिख दिया। आपको पता है कि 500 में 410 घटा दीजिए तो स्मॉल ए आ जाएगा, 90 हो गया। 500 में 380 घटा दीजिए आप, तो 120 हमारा स्मॉल बी बन गया। 380 में से 270 घटा दीजिए तो ये 110 आ गया। 110 में से यहाँ 90 है, तो आप देखिए यहाँ माइनस के हम 20 करें तो 90 आएगा। और 270 में क्या जोड़ेंगे, 410 हो जाए। अभी देखिए 9वें तालिका में मैंने मान रख दिए हैं, जैसे एन ए स्मॉल ए, ये बी स्मॉल बी, ये ए बी ए स्मॉल बी, स्मॉल ए बी स्मॉल ए स्मॉल बी। हमें वैल्यू पता थी ये 500 थी, ये 410 दे रखा था, तो मैंने अंतर निकाल के 90 निकाल दिया। ये सवाल में दे रखा 380, तो ये अंतर निकाल लिया 120 हो गया। ये 270 क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसमें से एक हटा दिया तो 110 आ गया। अब 110 इन दोनों का योग 90 होता है, तो ये माइनस 20 करना पड़ेगा। और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी संख्या कितनी आ रही है, ये देखिए 140 आ रहा है। 270 और 140 का योग करते हैं हम, तो हमारी संख्या 410 आती है, और 140 में से 20 घटाएं तो जाता है, तो हमारी आवृत्ति माइनस में आ रही है। स्मॉल ए स्मॉल बी हमारी माइनस 20 आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी समंक असंगत है, समंक असंगत है। तो इस तरीके से आप चाहे तो सूत्रों के आधार पर लग कर लीजिए, या 9 स्क्वायर टेबल बना करके भी हम वर्ग आवृत्ति निकाल के दिखा सकते हैं कि वो संगत है या असंगत है। बहुत सरल तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आप सोल्व करके दिखा सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ। एक बाजार अन्वेषक ने 1000 व्यक्तियों से मिलने के बाद निम्न विवरण दिया। चॉकलेट पसंद करने वाले 811, टॉफी पसंद करने वाले 752, मिठाई पसंद करने वाले 418, चॉकलेट व टॉफी पसंद करने वाले 570, चॉकलेट व मिठाई पसंद करने वाले 356, टॉफी व मिठाई पसंद करने वाले 348, तीनों को पसंद करने वाले 297 हैं। ये सिद्ध कीजिए कि उपयुक्त सूचना सत्य नहीं है। तो देखिए यहाँ विद्यार्थियों अलग अलग सूचनाएं रखी हैं, मुझे पढ़ने पर तीन गुण नज़र आ रहे हैं, पहले मैं उनको नोटेट करके आपको बता रहा हूँ। इसमें देखिए एक तो है चॉकलेट, चॉकलेट पसंद करने वालों को मैं नाम दे रहा हूँ ए। फिर हमारे आ गया है टॉफी, टॉफी पसंद करने वालों को मैं नाम दे रहा हूं बी। और मिठाई, मिठाई पसंद करने वालों को नाम दे रहा हूं मैं सी। तो हमने इनको नोटेट कर लिया है। अब हमारे क्वेश्चन के हिसाब से जो वैल्यू है, मैं अलग अलग वैल्यू छांट के आपको बताना चाह रहा हूं। एन का मान दे रखा मैं, कुल 1000 लोग हैं तो एन हो गया 1000। चॉकलेट पसंद करने वाले तो ए, ए है 811। टॉफी पसंद करने वाले तो बी, बी हो गया 752। मिठाई पसंद करने वाले सी, ये हो गया 418। चॉकलेट व टॉफी अर्थात ए बी, ए बी, ए बी का मान हो गया 570। चॉकलेट व मिठाई ए सी, चॉकलेट मिठाई पसंद करने वाले 356, ए सी का मान हो गया 356। टॉफी व मिठाई, टॉफी और मिठाई बी सी करने वाले 348। तीनों पसंद करने वाले ए बी सी 297। तो ये मैंने सब नोटेड कर लिए हैं, ठीक है। और हमारे पास सब कैप्टन सूचनाएं हैं, तो आप चाहो तो आपके पास 10 शर्तें हैं उनको अलग अलग सोल्व कर लीजिए, या आप चाहें तो 8वीं जो शर्त है, कंडीशन नंबर 8, वो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, मैं इसको आपको लिख के बता रहा हूँ। 8वीं शर्त मैंने आपके सामने रखी है, सारी सब सूचनाएं हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ए बी सी नॉट मोर देन ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी प्लस एन। तो देखिए वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, ए बी सी हमारे क्वेश्चन में है 297, और ये नॉट मोर देन 297 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये संख्या देखिए आप, ए बी है हमारे क्वेश्चन में 570,
एसी 356, बीसी 348, ए 811, बी 752, सी 418, एन 1000। तो 297 नोट मोर देन, इन सबको हमने सोल्व किया तो आता है 293, अर्थात ए बी सी नोट मोर देन 293, अर्थात 293 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये अधिक आ रही है तो हमारे इसमें अंतर आ रहा है 4 का, तो एक आवृत्ति हमारी माइनस के 4 आएगी, और वो माइनस की जो 4 आने वाली आवृत्ति है वो कौन सी होगी बता दूँगा, इसके जस्ट अपोजिट होगी। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी इक्वल टू हमारी माइनस में 4 आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे समंक असंगत है, समंक असंगत है। तो चाहे तो आप सीधे ही इस कंडीशन से निकाल के बता दूँ, या आप हमारी छऊ तालिका बना लीजिए, टेबल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, और आप पूरी तालिका बना के 27 आवृत्ति निकाल लो, ये आवृत्ति हमारी 100% माइनस की 4 आएगी, तो हम कह सकते हैं हमारे डेटा असंगत हैं। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स, आप 2 गुणों में और 3 गुणों के क्वेश्चंस के आधार पर समंकों की असंगति देख सकते हैं। मेरे अगले लेक्चर्स में आपको मैं 4 और 5 गुणों के क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो मेरे लेक्चर आप कंटिन्यू वॉच करते रहें। और अब मैं अगला जो लेक्चर आपके सामने लूंगा वो लेक्चर हमारा होगा समंकों से संबंधित गुण साहचर्य, कि हम गुण साहचर्य कैसे निकालें। इसमें हमारा सहसंबंध ज्ञात करेंगे हम गुणों में, और उसकी अलग अलग विधियां हैं वो जो कल के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप लोग को ये लेक्चर अगर समझ में आया, सरल लगा, तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। मेरा चैनल SKS e-classes, अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।